हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी किचन में लाई हूँ पनीर कोरमा, टेस्टी सा यम्मी सा पनीर कोरमा। सो वेलकम टू माय किचन, हाउस अनीता में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे बनेगा। मैंने इसको बनाने के लिए एक पैकेट का यूज़ किया है जो कि ITC कंपनी का है, जैसा कि आप देख सकते हैं कोरमा मसाला फॉर ऑल पर्पज़ ग्रेवी। तो मैंने इस पैकेट का यूज़ करके इस ग्रेवी को तैयार किया हुआ है। थोड़ा इन्ग्रीडियंट मैंने अपने से भी इसमें यूज़ किया हुआ है ताकि मैं इसे और टेस्टी बना सकूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद ही पूरा प्रोसेस शुरू होगा। और जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा काजू फ्राई कर लिया है, जिसे हम आगे सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको पहले यहीं पे फ्राई कर दिया है ताकि आगे मैं इसका सर्व करते समय इसे और अच्छे से डेकोरेट करके इसकी मदद से यूज़ कर सकूँ। सो एक बार ये गोल्डन फ्राई हो जाए हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलेंगे। गर्म तेल में मैंने ये फ्राई किया है, जो मैंने ये मिक्सचर है टमाटर और प्याज का, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन भी ऐड किया हुआ है। तो मैंने इस मिक्सर को एक साथ कुक कर दिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इस पैकेट का मसाला है, तो मुझे अलग अलग इसे भुनने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इस पेस्ट को एक साथ ही इसमें ट्राई कर दिया है। तो इसको मैं पूरे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक का आप वेट करेंगे। एक बार ही गोल्डन फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी से इसका कलर अच्छा आता है, आप जानते हैं। आप चाहें तो हल्दी नहीं भी यूज़ कर सकते क्योंकि उसके पैकेट में थोड़ा बहुत हल्दी का है मिक्सर। बाकी ये लाल मिर्च है, ये भी कलर के लिए बेसिकली यूज़ किया गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने सब्जी मसाला यूज़ किया है। अब आप जिस भी कंपनी का सब्जी मसाला यूज़ किए हैं आप उसे डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा धनिया मसाला या फिर गरम मसाला इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि जो हम पैकेट यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मसाले हैं, तो मुझे लगा कि इतना इनफ है हमारे लिए। तो अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगा है। एक बार अगर आप जब किसी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं और अगर वो इस तरीके से हल्का तेल छोड़ने लगे, तब आप समझ जाइए कि अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ किया हुआ है और इसे फिर वापस अच्छे से एक बार मिक्स करके पकाऊँगी ताकि ये और अच्छे से इसका मसाला पूरा पक जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें पूरा ऑयल छोड़ दिया है। तो अब ये मसाला नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरमा मसाला। इसे मैंने डायरेक्ट ही ये मसाला यूज़ किया है, इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। ये पैकेट में इसी तरीके से मसाला आता है और ये पूरा मसाला नहीं यूज़ किया है, थोड़ा मसाला यूज़ किया। आप पैकेट देख सकते हैं, ये ITC कंपनी का है और मैंने इसको यूज़ किया है थोड़ा सी क्वांटिटी में, क्योंकि मैं अपना मसाला खुद भी यूज़ की हुई हूँ इसीलिए कम क्वांटिटी यूज़ किया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क यूज़ किया इंस्टेड ऑफ वाटर, क्योंकि मुझे लगा कि मिल्क से यूज़ करने से इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसका खिल के टेस्ट आएगा। तो मैंने इसकी जगह मिल्क यूज़ किया हुआ है वाटर की जगह। और मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो वीडियो लाऊं कोरमा मसाला का, मैं एज इट इज़ बनाऊं जैसा उसमें पीछे लिखा है, बट ये मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। उसके बाद जो मैंने ये काजू का पेस्ट यूज़ किया है, इसमें जो काजू यूज़ किया गया है उसे मैंने थोड़ी देर के लिए भे के रख दिया था। आप उसे थोड़ी देर के लिए अगर आप रख देंगे पानी में तो आपको वो पीसने में आसानी हो जाएगी। तो किसी भी काजू को या बादाम को, किसी के भी पेस्ट को आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये काजू पेस्ट था, थोड़ा सा पनीर की सब्ज़ी में काजू के पेस्ट का यूज़ होता है, तो थोड़ा सा वो यूज़ होने के बाद अब मैंने इसे मिलाकर थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ना है ताकि ये अच्छे से पक जाए सारे मसाले। अगर आप चाहें तो बीच बीच में इसे मिला भी सकते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा पक जाएगा तब आप इस तरीके से थोड़ा सा अपने हिसाब से नमक डालते हुए इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए और कुक होने दीजिए। फिर 2-3 मिनट्स बाद और जब आपका ये और अच्छे से पक जाए तब आप पनीर को यूज़ कर सकते हैं। आप पनीर किसी भी पीस में काट सकते हैं, मैंने सिंपली इस तरीके से रेक्टेंगल फॉर्म में काटा है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, आप चाहे तो कटर भी आता है अलग अलग शेप काटने का, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिला दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मैंने जो पहले काजू तला हुआ था मैं उसे डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें किशमिश वगैरह डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोरमा मसाला खाने के लिए एकदम रेडी है। तो अब मैं इसे यम्मी यम्मी इसे टेस्ट करने जा रही हूँ और आप भी इस चैनल पर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें देते रहें। थैंक यू।